आज 7th of December है, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। अब हम लोग अगर आज का प्राइस एक्शन देखें तो लगभग कोई कल का लो और आज का लो आपको लगभग लगभग निफ्टी के अंदर बराबरी दिखाई दिया, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्राइस एक्शन तो हम नहीं मानेंगे। अब आगे के लिए क्या स्थिति हो सकती है, इसी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा। मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पर चार्ट भी आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। निफ्टी के ऊपर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग चर्चा को स्टार्ट करेंगे। ये निफ्टी का वन डे कैंडल चार्ट है जो फिर से मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। रिफ्रेश हो जाए चार्ट और ये चार्ट आप लोगों के सामने आ गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आपको क्लियरली दिखाई दे। तो मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न भी करूँगा, अपने प्रश्नों के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा। ये कल की कैंडल है यानी कि 6 दिसंबर की कैंडल, और ये आज की कैंडल है यानी कि 7th of December की कैंडल। तो इन दोनों कैंडल्स के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इन दोनों कैंडल्स का जो लो है वो लगभग बराबर है। कल बीते हुए दिन 6 दिसंबर को आप देख सकते हैं जो लो था वो 20,852 का लो था, ये लो बना था। आज के लो की बात करें तो आज हमें 20,850 का लो बनता हुआ दिखाई दिया है। तो इन दोनों लो का सेम होना डेफिनेटली हमको ये बताता है कि एक निफ्टी का अटेम्प्ट है, एक निफ्टी का एफर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है टू डिफेंड 20,850, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो ये कल 6 दिसंबर और आज 7 दिसंबर के बीच में मुझे महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। हालांकि थोड़ा सा आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं कि अगर हम इन दोनों कैंडल्स के हाईस को देखें तो कल के हाई की तुलना में आज का हाई हमको लोअर हाई दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक है, ऑल राइट। बाजार के अंदर इतने दिनों से लगातार तूफानी तेज़ी बनी हुई है तो थोड़ा सा लोअर हाई भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तो इसके अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट ही ढूंढने का प्रयास करूंगा और मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया कि निफ्टी ने 20,850 का लो डिफेंड करने का प्रयास किया और यहाँ से हमको अच्छी रिकवरी भी दिखाई दी। अभी जब मैं 3:14 के ऊपर आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ तो निफ्टी का लेवल दिखाई दे रहा है लगभग 20,900 के आसपास। तो निफ्टी ने अपने लो से लगभग 50 पॉइंट की रिकवरी करी है, दैट इज़ गुड रिकवरी। एक और बात है, अगर हम यहाँ पर इन तीनों कैंडल्स को मिला लें, अभी तो मैं दो कैंडल्स की बात कर रहा था, अभी हम थोड़ा और पीछे चले जाएं, यहाँ पर अगर हम 5 दिसंबर की कैंडल ले लें और 5 दिसंबर के साथ साथ यहाँ पर मुझे एक बार फिर से इसको शेयर करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम इन तीनों कैंडल्स को ले लें, यहाँ पर हम 5 दिसंबर की कैंडल को भी अगर साथ में चुन लें तो 5 दिसंबर की कैंडल में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। 5 दिसंबर को जो हाई बना था वो हाई भी आप देख लिए, 5 दिसंबर को हाई बनता हुआ दिखाई दिया था 20,864 का, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये दोनों लो हमको बनते हुए दिखाई दिए हैं लगभग 20,850 के आसपास, तो ये भी काफ़ी कॉमन लेवल है। तो 5 दिसंबर, उसके बाद 6 दिसंबर और उसके बाद आज 7 दिसंबर, इन तीनों दिनों को अगर हम चर्चा करें तो हमें 20,850 का लेवल महत्वपूर्ण दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है ये एक क्रिटिकल लेवल है और यहाँ पर हम सपोर्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर निफ्टी थोड़ा सा स्लिप भी करता है तो मुझे ऐसा लगता है 20,800 अपने आप में एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पर इमर्ज होना चाहिए। अभी मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, 20,800 से नीचे जाकर के बात करना भी अभी मुझे लगता है कि शायद उचित ना हो। इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर बाजार के अंदर गिरावट होती है तो हम देखेंगे, क्योंकि अगर 20,800 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम इस लो की तरफ निफ्टी को लुढ़कता हुआ देख सकते हैं और फिर ये लो जो है ये 20,711 का लो है, और अभी मैं इस लो के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर 20,800 का लो ब्रेक होगा तो फिर हम इसी लो की तरफ निफ्टी को लुढ़कता हुआ देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि अभी इसकी ज़रूरत है। तो नीचे की तरफ सपोर्ट के लेवल बता दिए, ये सपोर्ट नंबर 1 हम देख रहे हैं और फिर ये हम सपोर्ट नंबर 2 20,800 का लेवल देख रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर हम इमीडिएट लेवल्स की बात करें तो इसके बारे में भी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप आज का हाई देख लिए। आज 7th of December है, आज की बात कर रहा हूँ, तो आज का जो हाई बना है क्या बना है,
ये 20,941 का ही बना है, डेफिनेटली ये 20,950 का लेवल है, बात समझ रहे हैं। तो यही हमारा इमीडिएट टारगेट है, 20,950 और इसके ऊपर 21,000 का लेवल। ये दो लेवल्स जो हैं ये हमारे इमीडिएट टारगेट्स के तौर पर मुझको दिखाई देते हैं। अभी इसके ऊपर भी जाकर के बात करना जो है वो मुझको नहीं समझ में आता है। तो ओवरऑल मैं प्राइस एक्शन को एक स्टेबल प्राइस एक्शन के तौर पर देखता हूँ। जिस तरह से आज लो बनने के बाद रिकवरी हुई है, मैं इसको भी पॉजिटिवली ही लेता हूँ। ये प्राइस एक्शन की एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी। हालांकि अगर हम RSI को वॉच करें, ये RSI आप लोगों के सामने, तो RSI थोड़ा सा टर्न हो रहा है, वीकनेस RSI के अंदर बोल सकते हैं, या आप RSI के अंदर कहीं ना कहीं एक थकावट बोल सकते हैं। RSI का लेवल लगभग 82.70 के आसपास है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी RSI गुड इनफ स्ट्रांग है। तो अगर यहाँ से मैं अपना व्यू बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कंसोलिडेट होने के बाद और फर्दर तेज़ी की गुंजाइश मुझको ज़्यादा दिखाई देती है, और मौजूदा स्तरों से किसी बड़े करेक्शन की गुंजाइश की संभावना मुझको रिलेटिवली कम दिखाई देती है। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। बाज़ार के बारे में बात करते हैं, कितने लंबे समय से मैं लगातार बाज़ार के अंदर तेज़ी की बात कर रहा हूँ ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग मजाक भी उड़ा रहे थे यहाँ पर। अब मैं निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट की स्थिति आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। यहाँ पर एक्सपायरी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आज 7 दिसंबर की एक्सपायरी तो हो गई है। अब हम निफ्टी के लिए चर्चा करेंगे तो 14 दिसंबर के लिए चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो ये 14 दिसंबर की एक्सपायरी का डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर आ रहा है। इस डेटा को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, हम लोग पहले सबसे बड़े बार्स को देखते हैं, हमारा ध्यान सबसे पहले बड़े बार्स की तरफ जाता है। तो 21,000 के लेवल पर हमको रेड कलर का बड़ा बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें कॉल साइड का बहुत ही सॉलिड ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। चार्ट के ऊपर भी हमने 21,000 के लेवल की ही बात करी है। यहाँ पर अगर आप देखिए ग्रीन कलर का बार, तो 20,900 के ऊपर हमें ग्रीन कलर का बड़ा बार दिखाई दे रहा है, जो कि हमको पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर हम सपोर्ट की बात करें, और अगर इसके नीचे हम देखें तो 20,800 के ऊपर हमें बड़ा बार दिखाई दे रहा है, जिसको हम पुट साइड के एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप के तौर पर देख रहे हैं, और यहाँ पर भी हम एक बहुत बढ़िया सपोर्ट देख रहे हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल एकदम चार्ट से मैच करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। फर्दर और ऊपर यहाँ पर मैं आज OI चेंज क्या हुआ है ये मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। जैसा कि मैं लगातार बोलता हूँ, जब OI चेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हम ये देखना चाहते हैं कि आज क्या हुआ, हम ये देखना चाहते हैं आज क्या नई पोजीशंस बनी, या हम ये देखना चाहते हैं क्या ओल्ड पोजीशंस एग्जिट हुई हैं, हम इसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो OI चेंज को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, तो उनको ये समझने का प्रयास या समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। 20,900 के ऊपर स्ट्रॉन्ग पी राइटिंग हम लोगों को दिखाई दे रही है, ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ हमको 21,000 के लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग सी राइटिंग भी दिखाई दे रही, तो ये एक क्लोज रेंज है, ये अपने आप में एक रेंज है 20,900 से 21,000 की। मुझे लगता है निफ्टी इसी के बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। साथ ही साथ हमें 20,800 के ऊपर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पी राइटिंग दिखाई दे रही है। तो ये वही इन्फॉर्मेशन है जो चार्ट के ऊपर भी हम लोगों ने ऑब्जर्व करी, और जो हम यहाँ ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी देख रहे हैं। अब हम देख लेते हैं लास्ट 30 मिनट में क्या हुआ। लास्ट 30 मिनट की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। लास्ट 30 मिनट की बात करें तो अगेन 21,000 के ऊपर भारी सी राइटिंग हुई है, और आप देख सकते हैं अच्छी बात ये कि 20,950 के ऊपर पी राइटिंग आधे घंटे में हम लोगों को दिखाई दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। और साथ ही साथ 20,900 के ऊपर भी हमको जो पी राइटिंग है वो सी राइटिंग की तुलना में ज़्यादा दिखाई दे रही है। पी राइटिंग जो है वो सी राइटिंग की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है, तो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी के क्लियर संकेत तो नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन गिरावट के संकेत भी मुझको नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। लास्ट 15 मिनट की बात करें तो लास्ट 15 मिनट में भी आप देख सकते हैं 21,000 के लेवल के ऊपर हमें काफ़ी कॉल राइटिंग दिखाई दी है, और 20,900 के लेवल के ऊपर हमको पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। तो एक काफ़ी क्लोज रेंज में अभी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आप कोई भी ट्रेड बनाइए तो कवर ट्रेड बनाइए,
नेकेड कॉल लेकर के जाना इस समय समझदारी नहीं है। मॉर्निंग में जो वॉल्टिलिटी होती है शुरुआती 5-10-15 मिनट में, उससे आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसी मेरी आपको राय। तो ये मैंने आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी। अब मैं आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी के बारे में भी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा। ये बैंक निफ्टी के अंदर मैं प्राइस एक्शन आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पिछले 3 दिनों का प्राइस एक्शन है जो मुझको यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना ज़रूरी लग रहा है। अगर आप गौर करिए कल और आज से कंपैरिजन करिए तो अनडाउटेडली काफ़ी नीचे आपको हाई खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। लो भी अगर आप देखिए तो आपको लो भी काफ़ी नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो निगेटिव बात हुई कि हमको लोअर हाई बनता हुआ दिखाई दिया और हमको लोअर लो बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं। अगर आप लो देखिए तो लो बैंक निफ्टी के अंदर बनाया आज लगभग 46,507 के आसपास, राइट। तो लो बनने के बाद अच्छी रिकवरी भी हम लोगों को आती हुई दिखाई दी है, ये भी बात हम नोटिस करेंगे। और अभी जब मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ तो लगभग समय हो रहा है 3:23 और अभी बैंक निफ्टी का जो लेवल दिखाई दे रहा है, ये लेवल दिखाई दे रहा है 46,872। तो ये जो रिकवरी आई है, इस रिकवरी को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली ये रिकवरी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रिकवरी है। 46,507 का लो बनने के बाद अगर बैंक निफ्टी आज 46,872 के आसपास क्लोज हो रहा है तो दैट इज़ गुड। एक और मैं अगर आपको थोड़ा पीछे लेकर के आऊँ और इस बिग बुलिश कैंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करूँ। ये 4 दिसंबर की खतरनाक कैंडल है, सॉलिड बुलिश कैंडल 4 दिसंबर का। अगर आप हाई देखें तो ये हाई अपने आप में एक महत्वपूर्ण लेवल है। ये हाई हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है 46,484 का। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। 46,484 को जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो एक्चुअली में ये हमें 46,500 के तौर पर दिखाई दे रहा है। तो अच्छी बात ये है कि अभी बैंक निफ्टी इस लेवल को डिफेंड कर रहा है। आज के इस लो में अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी ने 46,500 का लेवल डिफेंड किया है। तो हम इसी लेवल को डेफिनेटली सपोर्ट के तौर पर ऑब्जर्व करेंगे, राइट। हम अपना सपोर्ट थोड़े ना प्रेजेंट करेंगे, बाजार ने जो बताया हम उसी को सपोर्ट के तौर पर प्रेजेंट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसके नीचे जाने की संभावना जो है वो काफ़ी कम है। मालिक ना करे अगर 46,500 का लेवल टूटता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 46,400 का लेवल हो सकता है, इससे ज़्यादा नीचे जा कर के मैं तो बात नहीं करूँगा। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो आज जो हाई बनता हुआ दिखाई दिया है, ये हाई बना है 46,927 का, यानी कि 46,900 के लेवल के तौर पर हम इसको देखेंगे और इसके ऊपर हम फिर 47,000 की बात करेंगे। मेरा झुकाव तेज़ी के बने रहने को लेकर के, मुझे ऐसा लगता है बाज़ार या तो कंसोलिडेट करेगा या बाज़ार यहाँ से थोड़ा और तेज़ हो सकता है। अभी भी मुझे रूम दिखाई देता है नीचे की तरफ। सपोर्ट के लेवल्स महत्वपूर्ण है। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप कोई पोजिशन बनाते हैं, मेरी आपको राय यही है कि आप कवर ट्रेड बनाइए ताकि आपको मॉर्निंग में जो वोल्टिलिटी हो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। बैंक निफ्टी के अंदर जो RSI का लेवल है ये 77 दिखाई दे रहा है, जो कि अभी भी स्ट्रेंथ को ही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करी। जल्दी से बैंक निफ्टी के अंदर हम देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट की क्या स्थिति है, और ये ओपन इंटरेस्ट की डिटेल्स आप लोगों के सामने। बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पर एक्सपायरी चेंज कर लूँ। बैंक निफ्टी के अंदर हम 13 दिसंबर की एक्सपायरी के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। थोड़ा सा पेज भी मैं रिफ्रेश कर दूँ यहाँ पर। ओपन इंटरेस्ट का डेटा एक्चुअली मैं प्रेजेंट करते समय पेज को रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है, हालांकि ऑटो रिफ्रेश लगा रहता है। यहाँ पर अब आ जाते हैं 13 दिसंबर की एक्सपायरी के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट की स्थिति आप लोगों के सामने। अगेन सबसे बड़े बार्स को देखेंगे हम। जल्दी से रेड कलर के बार को देखा, 47,000 का लेवल, जो कि अपने आप में एक सॉलिड रेजिस्टेंस के तौर पर दिखाई दे रहा है। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, ये अपने आप में टफ रेजिस्टेंस। तो अभी हम इसको रेजिस्टेंस के तौर पर इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, अभी हम उड़ेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं 47,100, 47,200, 47,300। वो जब होगा तब देखेंगे, अभी फिलहाल 47,000 इज स्टैंडिंग टॉल एज अ रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 46,800 सपोर्ट के तौर पर दिखाई दे रहा है, 46,700 भी सपोर्ट के तौर पर दिखाई दे रहा है, 46,600 भी सपोर्ट के तौर पर दिखाई दे रहा है, और 46,500 जो है
ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट के तौर पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है, वी वेलकम दिस। और यहाँ पर अब मैं वाई चेंज भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, ये वाई चेंज है, लुक एट दिस वाई चेंज, वाई चेंज देखिए जरा आप, लुक एट दिस नंबर्स, लुक एट द ग्रीन बार्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप ग्रीन बार्स को देख पा रहे हैं, हर एक लेवल के ऊपर चाहे वो 46,500 हो या इसके ऊपर आ जाइए 46,600 हो या इसके ऊपर आ जाइए आप 46,700 हो और ऊपर आ जाइए चाहे आप 46,800 हो या और ऊपर आ जाइए आप 46,900 हो, लुक एट ग्रीन बार्स, मतलब कि पी राइटिंग की बाहर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, देख पा रहे हैं आप चारों तरफ पी राइटिंग ही दिखाई दे रही है। हाँ 47,000 की बात करें तो 47,000 के ऊपर हमको सी राइटिंग दिखाई दे रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर है, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप स्प्रेड बना करके ट्रेड लेंगे तो शायद वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लास्ट 30 मिनट में क्या हुआ है ये मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, बहुत सारी पोजिशन स्क्वायर ऑफ हुई हैं, लगभग इससे हम मतलब नहीं निकाल पाएंगे कुछ कि क्या हुआ है, बहुत सारी पोजिशन स्क्वायर ऑफ हुई हैं, वो इंट्राडे की पोजिशन हो सकती हैं, लास्ट 15 मिनट में भी बहुत सारी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हुई हैं, तो लास्ट 15 मिनट से भी हमें कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है। तो आपको ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट के अंदर परिवर्तन हुआ है उसके बेसिस के ऊपर ही आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जो मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर शायद तेज़ी की गुंजाइश है, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, जो अभी आपने ओपन इंटरेस्ट देखा बैंक निफ्टी के अंदर, व्हाट डू यू बिलीव कि बैंक निफ्टी के अंदर गुंजाइश किस बात की है? मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा सा झुकाव लग रहा है वो तेज़ी की साइड के ऊपर ही लग रहा है। चलिए मुझे आज्ञा दीजिएगा, आज की इस स्ट्रीम को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, सभी लोगों को राम राम बोलना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आप लोगों के साथ कल एक बार फिर से मॉर्निंग में मैं जुड़ने का प्रयास करूँगा, थैंक यू सो वेरी मच।